हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैक्स में बहुत ही ज़ोरदार की सेल लगी हुई थी, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे का बताऊंगी मैंने क्या क्या किया। तो आगे मैं जैकेट, तो मेरा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। जैकेट एक्चुअली मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसका साइज़ नहीं मिलने के कारण मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। और फिर मैं आ गई थी ये कुर्ती वाले सेक्शन में। कुर्ती वाले सेक्शन में भी अच्छा खासा ऑफ था, बट एक होता है ना, पर्पस नहीं होता है लेने का, तो मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। और फिर यहाँ नेल पेंट पर भी सेल लगा हुआ था, अच्छे खासे सेल थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब आज मैंने बहुत टाइम बाद मॉल वाले मैक्स में इतना भीड़ देखा था कि बहुत सब लोग, बिलिंग काउंटर पे भी अच्छी खासी भीड़, मुझे लाइन में लगना पड़ा था, तो सब कोई कुछ ना कुछ ले ही रहे थे। और यहाँ टॉय, सॉफ्ट टॉय वाले सेक्शन में भी अच्छी खासी सेल लगी हुई थी, और बिलिंग काउंटर पे भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा। और इस यहाँ से प्रियांश की मैंने शॉपिंग करी, तो यह मुझे अपने लिए कुछ खास अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि नेक्स्ट अगर कहीं जाऊँगी तो वहाँ से कुछ पसंद आया तो लूँगी, लेकिन यहाँ मैंने प्रियांश के लिए एक शूज़ और एक विंटर का हाफ जैकेट लिया। तो यहाँ प्रियांश की शॉपिंग डन हो गई थी, पेमेंट हो गया था, और लंबी लाइन लगनी पड़ी थी हम लोग को। और यहाँ मैक्स में मुझे विंटर वेयर का सेल जो था ना, और ड्रेस का सेल था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि मतलब अच्छी डील है, लेकिन एक पर्पस नहीं था लेने का, तो मैंने जाने दिया। और फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे गई जहाँ पे ज्वेलरी का सेक्शन था। तो मैं ज्वेलरी वाले सेक्शन में जैसे ही थोड़ा सा इंगेज हुई, हस्बैंड और बेटा दोनों अपने अपने सेक्शन में इंगेज हो गए थे। हस्बैंड कुछ अजीब सा एक लाइटर देख रहे थे जो गन के शेप में था, और यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर के स्टैचू थे, वो भी बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। इतना हम लोग देख ही रहे थे कि प्रियांश एक टॉय पर स्टक हो गया था, उसको वो टॉय खरीदना ही खरीदना था जो कि अपने औकात से ज़्यादा महंगा था। फिर यहाँ मुझे कुछ बैंगल्स भी दिख रहे थे, सुंदर सुंदर बैंगल भी। मेरा वन ऑफ अ वीक पॉइंट है, मुझे बैंगल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो लेने का मन कर रहा था, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा, यही वो टॉय है जिसको लेने के लिए प्रियांश जिद कर रहा था। ये पेन था एक्चुअली में, और ये गन के शेप में था। पता नहीं वो लिखता नहीं है, अभी पेन से लिखना नहीं है। फिर हम लोगों ने किसी तरह से जल्दी जल्दी उसे मॉल से निकाला और घसीट के लेके गए कि दूसरे मॉल में जाके तुमको खरीद देंगे। और जैसे हम लोग निकले बाहर, रोड पे जाम में फंस गए। यहाँ इतनी भयंकर जाम लगी हुई थी, 8, 8:30, 9 बज रहे होंगे, और एकदम पिक टाइम था बेंगलोर का, तो जाम में हम लोग फंस गए। तो फिर रास्ते में हम लोग साइड में दिखा विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ भी सेल लगी हुई थी, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ भी डेकोरेशन किया हुआ था एंट्रेंस पे, और यहाँ तो सेल का और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ था, बाय वन एंड गेट टू फ्री। तो वहाँ एक बार मैं भी घुस गई देखने के लिए, और प्रियांश चला गया था अपने लिए कुछ टॉय पसंद करने के लिए, और मुझे उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं इधर ही नीचे देख रही थी क्या क्या है, तो यहाँ बहुत सारे बैग्स थे, पाउचेस था। पाउचेस 99 रुपये में इतने अच्छे अच्छे पाउचेस मिल रहे थे। और विशाल में आप जाइएगा ना, तो अच्छे खासे सामान ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम रेट पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है। जैसे ये फुटवेयर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, 200 रुपये का था, तो प्रियांश तो ऐसे सॉक्स हमेशा उतार देता है, तो विंटर के लिए ये अच्छी चीज़ें हैं। और ये स्लिंग्स बैग्स अच्छे लग रहे थे 200 रुपये में, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज था साइड से, मुझे लगा कि हो सकता है डैमेज है इसीलिए इतने सस्ते दे रहे हों। और फिर आगे बढ़ी तो ये वाला स्लिंग बैग तो बिल्कुल परफेक्ट था, और ये भी सिर्फ 200 रुपये का था, तो ये वाला मुझे मन किया। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत बैग है, जितना मैं यूज़ नहीं करती उतना ले लेती हूँ। और अगर आपको बास्केट वास्केट लेना है, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें लेनी है, तो ये सब तो एक्सट्रीमली सस्ता था। यहाँ पे बाहर में इतना नहीं मिलता है, 90 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में ये सब पाउचेस मिल जाता है। ये देखिए, ये वाला पूरा सेट आपको चटनी वाला पूरा से 39 का मिल रहा था, तो ये मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने इसे छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं आगे चली गई सब कुछ देखते हुए, और बेटा चला गया था अपना टॉय को सिलेक्ट करने के, तो मुझे नहीं पता था वो क्या सिलेक्ट करने वाला है, उसके पापा उसके साथ थे। मैं इधर अपना विंडो शॉपिंग कर रही थी। ये शोकेस बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, वो भी 39 में था, और ये 4 का प्लास्टिक प्लेट्स था, वो भी बहुत रिजनेबल था। तो आप विशाल आ सकते हैं, जब भी आपको घर के छोटे मोटे सामान, अगर होम डेकोरेशन के सामान ये सब लेने है, तो आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। और ये 79 में जो आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। और जितने भी घर के A to Z सामान होते हैं वो सब कुछ मिल रहा था, ग्रॉसरी से लेके सब कुछ, सिर्फ सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ नहीं मिल रही थी, बाकी सब कुछ। तो फाइनली प्रियांश और उसके पापा ने मिल के ये स्टडी टेबल सिलेक्ट किया, जिसको रख के वो बेड पर पढ़ाई कर सकता है। तो मुझे भी ये ठीक परचेस लगा कि नहीं ठीक है, ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टॉय ये अच्छा है। तो उसके
उसके बाद हम लोग नीचे उतर ही रहे थे, तो फिर मेन सेक्शन में उसके पापा घुस गए और प्रियांश हैप्पी था क्योंकि उसको भी बहुत दिनों से चाहिए था कि मैं इस पे रख के खाना खाऊंगा। पता नहीं उसको ये डाइनिंग टेबल लग रहा था, मैंने तो स्टडी के लिए सोचा था क्योंकि जनरली वो बेड पे ही बैठ के पढ़ाई करता है। फिर हम लोगों ने खाने के लिए, डिनर के लिए एग रोल पैक करवाया और ऐसा हुआ कि आज हम लोग 3 घंटे मार्केट में रहे और सिर्फ सब चीज़ें प्रियांश की खरीदाई, यह सब कुछ प्रियांश का हुआ। तो मेरा कुछ भी एक चीज़ें भी मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, बिल्कुल वेस्ट था आज निकलना, पूरा मूड ऑफ हो गया। इस आज इस लड़के का दिन था बस।